योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या आपकी खामोशी आपके पार्टनर पे किसी तरीके का कोई असर है, इस चीज का कोई इफेक्ट है आपके पार्टनर पे? लेट्स सी, टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको खुश देख रहा है अपनी लाइफ में, आप अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग्स में, अपने घर वालों के साथ आप खुश हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, कुछ एंड किया आपने इस पर्सन के साथ, कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, आपने कुछ जिस चीज़ को आप एंड नहीं करना चाह रहे थे वो चीज़ आपने एंड करी है, और आप इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हुए हैं, आपने अपने सेल्फ को चूज़ करा है, एक प्रैक्टिकल एक्शन लिया है या प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है आपने अपने सेल्फ के लिए। ये पर्सन आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा है इस चेंजिंग को लेकर, ठीक है? मतलब कि इस सिचुएशन से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, इस पर्सन से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, आपने अपनी लाइफ में जस्टिस को खुद मैनिफेस्ट करा है, ठीक है? आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ में इस सिचुएशन को एंड करके ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है? आपकी जिंदगी में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, इमोशनली पर्सन फील भी कर रहा है लेकिन होल्ड करके बैठा हुआ है क्योंकि आप कोल्ड हो चुके हैं हद से ज्यादा, ठीक है? जब राइट टाइम था इसने वो एक्शन नहीं लिया। सोलमेट काइंड एनर्जी है, ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि आप बोलें कुछ लेकिन अब आप बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपका विजडम आपको अलाउ नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में कुछ भी कहने से, ठीक है? आपका विजडम आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप कुछ कहें। आपकी एक अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, या तो हुई है, ठीक है? आप जो भी आपने फेस करा इस पर्सन के साथ, आप एक अवेकनिंग स्टेज से गुजरे हैं, आपको विजडम और गेन हुआ है, आपको और जिंदगी जीने का तरीका, या तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, या तो अपने पर काम क्या कैसे किया जाता है, इंसान इंडिविजुअली आपको ग्रो करता हुआ देखता है तो आपकी लाइफ में कितना अट्रैक्ट होता है ये आपने सीखा है। कुछ आपके अंदर बदला है, कुछ आपने चेजिंग एनर्जी छोड़ दी, आपने अपने लिए इस पर्सन से लड़ना छोड़ दिया, आपने अपने आप में खुद स्टैंड लिया है। थैंक यू।